है सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ नगर में बीते रविवार को ब्लॉक परिसर डुमरियागंज में आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई। प्रदेश महामंत्री प्रभावती के अध्यक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा के साथ ही प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की तरह आंगनबाड़ी के बच्चों को सुविधाएं देने की मांग करते हुए बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री प्रभावती ने कहा है कि डुमरियागंज ब्लॉक क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने दर्जनों केंद्रों पर कोटेदारों की मनमानी के चलते 2021-2022 में अब तक राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके कोई समाधान नहीं किया गया है। महामंत्री ने कहा है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका को उनके जिन अधिकारों से वंचित किया गया है उन्हें वापस दिया जाएगा। वहीं खाद्यान्न को उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चे कुपोषित रह जाते हैं। सरकार द्वारा जहां आंगनबाड़ी के बच्चों को प्री प्राइमरी से जोड़ रही है, तो वहीं प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर आदि की मांग करते हुए लापरवाह मनमानी करते हुए समूह कोटेदारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समय पर राशन आदि उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आरोप लगाया गया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी हम लोगों से वसूली भी करते हैं, इस संबंध में हमने बात करनी चाहिए बाल विकास परियोजना अधिकारी संजय गुप्ता से, डुमरियागंज से, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। कारण क्या रहा? कारण यही था कि हम लोगों को बहुत सताया जा रहा है, हम लोगों को हर काम दिया जा रहा है। हम लोग बीएलओ का काम करते हैं, हम लोग आंगनबाड़ी जितना दिया जाता है काम उसको करते हैं, इसके बाद में पोलियो में लगा दिया जाता है, कहने का मतलब फीडिंग भी हम लोगों से लिया जा रहा है। आप लोग बताइए कि जब हमारे पास मोबाइल नहीं है तो हम लोग कहाँ से फीडिंग करके दें? इसके बावजूद ठीक है हम फीडिंग करेंगे, लेकिन जब उसका रिचार्ज का पैसा नहीं सरकार देगा तो क्या हम लोग अपने जेब से लगाएंगे? आपने भी मांग की कि हमको हम लोग बराबर मांग करते हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों का मोबाइल मिलेगा नहीं तब तक हम लोग काम नहीं करेंगे। फिर उसके बावजूद हम लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है। आज के इस धरना प्रदर्शन का कारण यह है कि अभी हम 20 तारीख को मतलब एक खाद्यान्न को लेकर के जो कोटेदार द्वारा कई महीनों से आंगनबाड़ी को नहीं दिया गया उसको लेकर के हम यहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी और उच्च अधिकारियों को अवगत कराए, लेकिन अभी उसका समाधान हुआ ही नहीं। दूसरा मुसीबत ये आ गया कि 2017 से लेकर के अगस्त 2022 तक एक DPO कार्यालय से एक मैसेज जारी हुआ है कि 2017 और 2022 से लेकर के प्रति आंगनबाड़ी को 1200 रुपया देना है। अब आप ये बताइए कि 2017 से 2022 तक हमारे आंगनबाड़ी के अभिलेखों को मांगा जा रहा है 200 रुपया प्रति केंद्र से मांगा जा रहा है, ये हमारी आंगनबाड़ी 1200 रुपया 6 साल का कहाँ से देगी? तो यहाँ कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी का शोषण ही किया जा रहा है। एक मुद्दा ख़त्म नहीं होता है, दूसरी समस्या हमारे पास आ जाती है, तो इसी को लेकर के मैं बैठक कर रही हूँ। अब आप लोगों के द्वारा मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे आंगनबाड़ियों का शोषण करना बंद कर दें। दूसरी बात यह है कि आंगनबाड़ी को ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है फीडिंग के लिए, जबकि विभाग द्वारा न सरकार द्वारा मोबाइल हमको उपलब्ध कराया नहीं गया, मोबाइल का कोई प्रशिक्षण दी नहीं गई, और ऊपर से कोई फंड आंगनबाड़ी को डाटा रिचार्ज के लिए दिया नहीं गया, ज़बरदस्ती आंगनबाड़ी से दबाव बनाया जा रहा है। ये आंगनबाड़ी कहाँ से उस 5000 रुपये में ये अपने बच्चों का भरण पोषण करेगी कि डाटा फीडिंग कराए, कि मोबाइल खरीदे, कहाँ से क्या करे? मतलब इतना अत्याचार, इतना शोषण आंगनबाड़ियों का हो रहा है जिससे आंगनबाड़ियाँ घुट रही हैं। यहाँ तक बहुत सी आंगनबाड़ी कह रही कि हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या करने तक के लिए तैयार हैं। चीज़ से आपको बताएं, अभी आपने कहा कि आपके अभिलेख मांगे जा रहे हैं, क्या अभिलेख आप लोग के पास नहीं है? हमारे पास अभिलेख रहते हैं, अभिलेख काहे नहीं है? हर महीने हम खाद्यान्न जो भी मिलता है उसका वितरण करके और विभाग को हमेशा जमा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बार बार शोषण करने के एक इन लोगों का जरिया बना लिए हैं, कमाने का जरिया, शोषण करने का जरिया बना लिए हैं कि इसी बहाने आंगनबाड़ी को लूटो और खसोटो, इनको शोषण करो। आप कह रहे हैं कि एक आंगनबाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बताइए क्या क्या है? एक आंगनबाड़ी यहाँ हमारी एक बहुत ही मुख्य सेवका है आशा यादव, उनकी एक चहेती आंगनबाड़ी है जो एक आंगनबाड़ी को 6-6 केंद्र दिया गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या एक आंगनबाड़ी 6 केंद्र का संचालन कर सकती है? 6-6 केंद्र दिया गया है उसको,